Assalamu alaikum, I am Nourish and you are watching my channel Nourish with Family. Viewers, ये मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग है और आज मैं आपको कुहल्ला पिकनिक पॉइंट की सैर करवाने वाली हूँ। और अभी मैं कुहल्ला ब्रिज के ऊपर हूँ और ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है। ये रिवर जेरम है और अभी मैं आपको कुहल्ला पिकनिक पॉइंट पे दिखाऊंगी और आप चलते हैं नीचे। कुहल्ला पिकनिक पॉइंट रिवर में और अभी हम जा रहे हैं रिवर की तरफ। अब हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे मामू हैं और आगे बाबा हैं। ये मेरे फेवरेट मामू हैं, हमने इनके साथ बहुत इंजॉय किया। अर्मिश बहुत तेज कर ली है मामू को, कभी रिवर की तरफ चली जाती है कभी रोड की तरफ। मामू अभी भी उसे यही कह रहे हैं आपका यूपीआई छोड़ के आना था। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे पिकनिक पॉइंट है। आप भी मेरे साथ ही लेना और ये वीडियो एंजॉय करना। ऊपर ब्रिज है और ये नीचे रिवर है जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं जहाँ मेन कुहल्ला पिकनिक पॉइंट है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वाटर में चार पाए बिछाई हुई है और ऊपर टेंट लगाए हैं। अभी मॉर्निंग टाइम है और अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस साइड पे देखें टेंट लग रहे हैं और चार पाए बिछाई जा रही हैं। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और खाने पीने की ये भी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी मॉर्निंग है और भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे चाय पराठा और पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे और भी फैमिली हैं जो ब्रेकफास्ट करने आई हैं और इंजॉय करने आई हैं। जी आपको वाटर की आवाज़ आ रही होगी, ये बहुत ही कोल्ड और मज़े का वाटर है। ये मुमदाज वाटर में सीता है और शावर रहता ही रहा था। ये काफ़ी अर्ली मॉर्निंग की थी जब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये देखें इस साइड पे अभी टेंट वगैरह सेट हो रहे हैं। ये बहुत ही चिल वाटर है, हमने इसमें बहुत ही इंजॉय किया। कभी हम सीट होते थे, कभी हम स्टैंड होके प्ले करते थे, कभी मैं अर्मिश पे वाटर स्लो करती थी, अर्मिश कभी मुझ पे करती तो मैं मुझे इतना गुस्सा आता था। मैं कहती थी क्या मसला है, मुझ पे ना करो, मैं तो बिगू ना, मैं कर सकती हूँ। तो उसे भी फिर गुस्सा आ गया, वो कहती थी क्या है, मैं भी अभी स्मोल हूँ तो मैं कर नहीं सकती, क्या हो गया। यहाँ पे बाबा ने हमें इतनी मुश्किल से निकाला, मैं कहती थी बाबा हमें नहीं निकलना, बाबा हमें नहीं निकलना। तो अर्मिश भी ये कह के बाबा हमें नहीं निकलना, बाबा ने कहा ओए यार थोड़ी देर निकल जाओ बाबा, हम दोनों को निकलवा लिया। अर्मिश फिर लैंड करने लगी, मुमदाज नीचे ले दो था, मैंने हम दोनों अर्मिश मुमदाज के बैग ही रख गए। अर्मिश फिर बाबा को लेके वाटर में घुस गया। उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, फ्लू कफ टेम्परेचर, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आया। हम ऊपर से लेके जंप लगाते थे, तब अब हम वाटर में चले गए। बाबा और मामू पिक्स एंड वीडियोस बना रहे थे। आयुष को अर्मिश को और मुझे फिर से चांस मिल गया तब वातावरण में प्रे करने का। अब साथ में हमारे बैक आए हैं, साथ मामू आयुष को पकड़े हैं, लेकिन मोहम्मद आयुष किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। हम रिवर के डेप्थ पे जा रहे थे, अर्मिश बैक जा रही थी डेप्थ पे,
मैंने कहा वो तो आगे डेप्थ है, वहां पे क्यों जा रहे हैं? ये तो अभी मैं आपको वो जब करते बता रही हूँ, जब मैं वहां पे नहीं था, मैं भी किसी के कंट्रोल में नहीं थी। वो आगे मेन लेवल की डेप्थ है, वहां पे ही हम जा रहे थे। शायद मामू आरिश फेल हो गया, शायद मामू ने हमें रोक रोक के, रुक जाओ मिस ममदस नूरिस। एटलीस्ट बाबा ने हमें बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, हम तीनों के लिए स्वेट हो चुके थे। हमें बहुत कोल्डनेस लग रही थी, अब हम चेंज करेंगे और मैं अपनी वीडियो यहीं पे पेस्ट करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो पारा से लाइक और गुच्छा कमेंट कर दे। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।